360 को स्वागत संपूर्ण खबर उपरे नजर पकायबा। दीपावली पूर्व समाधान होई पारे लद्दाख सीमा विवाद। सूत्र मिलता खबर अनुसाई लद्दाख सीमार जो स्थान में भारत और चीन मध्य बद देखाई से ही अंचल सेना खाली करवाने उभय देश राजी होती। उभय देशर सेना एप्रिल मे मस स्थान रही से ही स्थान को फेर राजी होती। उभय देशर सेना 6 तारीख में चुसुल कप्स कमांडर बैठक में एने निष्पत्ति जमापड़ तेरे भारतीय सेना पक्ष एने कौन सूचना दीजाई। चीन पक्ष आसनी कौन आनुष्ठानिक खबर। रिपोर्ट अनुसार 6 नवेम्बर में उभय देश मध्य जो कमांडर स्तरीय बैठक होता तीन फेज प्लान को नहीं दुई देश मध्य सहमति प्रकाश पाई। प्रथम पर्यायर पैंगोंग ह्रद निकट अंचल को प्रथम सप्ताह खाली कर ट्यांक और सैनिक पक्षक फेरी जाए। द्वितीय पर्यायर से ही इलाका को प्रतिदिन सेना निजर 30% सैनिकों पक्षक हटाए। यह प्रक्रिया तीन दिन धरी जारी रहिबो। जदि यही समय मध्य चीन सैनिक फिंगर एट पाखक पुणी आसते तहले भारतीय सेना मध्य निज पाखापाखि सिंगथापा पोस्ट को चली आसिबो। सेहीपरि तृतीय फेज में भारत और चीन सेना पैंगोंग ह्रदर दक्षिण इलाकार निज सैनिकों हटाए। लद्दाखे आरंभ हो शीतर प्रकोप तेणु आगक सेठे सैन्य रखा मुस्किल हो तेणु यह ध्यान में रखी योजन सहमति होता सूचना मिली। तेरे एने की उभय देश पक्ष कौन स्पष्ट सूचना दिया जाए। प्रतिनिधि बैठक एवं यूएभि जरिया मिलित भाव में अपसारण प्रक्रिया तदारख करने उभय पक्ष राजी होती। गणतंत्र उत्सव में सामिल होशवासी धन्यवाद। समर्पित भाव विकास कले जनता आशीर्वाद निश्चित मिले। गतकालीर फलाफल एक पुणि थे प्रमाणित करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। से कहते बीजेपी दलित पीड़ित और शोषित स्वर पलटि। मोदी कहते कृषक श्रमिक और मध्यवित्त स्वप्न पूरण भरोसा आमपाई पुंजी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास विजय हो। आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी विजय उत्सव पालन बेले एक प्रधानमंत्री बिहार और विभिन्न उपनिर्वाचन में सफलता विजय उत्सव पालन करजेपी एलर मुख्यालय आयोजित उत्सव में दलर राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केन्द्रमंत्री नितिन गडकरी धर्मेन्द्र प्रधान और निर्मला सीतारमण प्रमुख जोगदे। यह अवसर में मोदी कहते देशर नारी शक्ति बीजेपी नीरव समर्थक भाव उभा देश सेवे समर्पित होव समाज को आह्वान देते। गणतंत्र में प्रतिशोधमूलक मृत्युर खेल चलो ना जनता आशीर्वाद प्रतिदान देवा लगी केवे पछे जाना बोली से कहते। दीपावली और अन्य समय स्वदेशी द्रव्य व्यवहार पर आह्वान कर से कहते कोरोना संकट बेले विकास दूरे जाए ना बीजेपी आगामी दिन में बीजेपी कार्यकर्ता बिहार में नीतीश नेतृत्व में विकास लागी काम करेंगे। साथियों आज देश भारतीय जनता पार्टी पर जो स्नेह दिखा रहा है एनडीए पर जो स्नेह दिखा रहा है उसके सबसे बड़ी वजह यही है कि भाजपा ने एनडीए ने देश के विकास को लोगों के विकास को अपना सर्वोपरि लक्ष्य बनाया हुआ है। अगर आज आप मुझे बिहार के चुनाव नतीजों के बारे में पूछेंगे तो मेरा जवाब भी जनता के जनादेश की तरफ जैसे बिहार की जनता ने जनादेश दिया है जितना साफ सुथरा जनादेश दिया है मेरा जवाब भी उतना ही साफ है। और मेरा जवाब है चुनाव जीतने का एक ही रहस्य है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस मंत्र की जीत हुई है। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है। बिहार में सच जीता है। बिहार में विश्वास जीता है। बिहार का युवा जीता है। बिहार की माताएं बहनें बेटियां जीती हैं। बिहार का गरीब जीता है। बिहार का किसान जीता है। मैं बिहार के अपने भाइयों और बहनों को से उनसे कहूंगा
आपने एक बार फिर सिद्ध किया है कि बिहार क्यों लोकतंत्र की जमीन कहा जाता है। और ये जो चुनाव में आशीर्वाद मिलते हैं, ये आशीर्वाद हमें अधिक काम करने की ताकत देते हैं, अधिक काम करने की ऊर्जा देते हैं, अधिक काम करने की प्रेरणा देते हैं। और उसी आशीर्वाद को लेकर के मैं जनता जनार्दन के चरणों में अपना शीश झुका करके उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये विश्वास दिलाना चाहता। सेबड़ मोदी सहयोग और समर्थन लागि धन्यवाद जनाई नीतीश कुमार। से कहते बीजेपी सहयोग लागि बिहार में पुणि थे एनडीए सरकार गढ़ा जाऊँगी। कोरोना काल में होता देशर प्रथम विधानसभा निर्वाचन में बिहार जनता सरकार काम उपर मोहर लगे। बिहार निर्वाचन फलाफल कहि लोके विकास लागि आम उपर भरोसा रखिंट। मध्यप्रदेश में बीजेपी बंपर विजय आउ माटी कामुड़ी पड़ी कांग्रेस। दुई रू 28 आसन जितना दावी करुवा कांग्रेस मात्र 9 आसन में संतुष्ट होवस्था पर आरंभ हो कारण खोजा। कांग्रेस विधायक मान दल जिला मुखिया प्रभारी बैठक डाक समीक्षा कर उपनिर्वाचन में बीजेपी बम्फर विजय और कांग्रेस पराजय पर एवं समय आत्ममंथन। कांग्रेस बुधवार संध्या विधायक दल बैठक में ए संपर्क आलोचना कर बैठक पूर्व निर्धारित हो सारी तेज निर्वाचन फलाफल आसवा पर ही पराजयर कारण ही बैठक मुख्य प्रसंग होगी। जिला अध्यक्ष प्रभारी बैठक को डक तेज पूर्वतन मंत्री और ग्वालियर चंबल प्रभारी पीसी शर्मा कहवा कथा ग्वालियर और चंबल कांग्रेस भल प्रदर्शन कर विधायक दल की बैठक है, ये पहले से तय थी। चुनाव के रिजल्ट के पहले ही कमलनाथ जी ने अध्यक्ष जी ने घोषित कर दिया था। इसमें एक संशोधन ये हुआ कि जो जिला अध्यक्ष हैं जहाँ चुनाव हुए हैं वो लोग भी आमंत्रित कहेंगे, जो कैंडिडेट थे जो प्रभारी थे उन सबको बुलाया गया। तो निश्चित तौर पर मंथन होगी कि जहाँ हम लोग जीत नहीं पाए उसमें कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक रह गई, ये एक मंथन और मनन का विषय रहेगा। तो निश्चित तौर पर लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। एवं कांग्रेस बैठक को नहीं मध्यप्रदेश गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते जो मैंने आदो मैदान को जाई से माने एवं फलाफल समीक्षा करने को बसी जो मैदान में गई नहीं है उनसे समीक्षा करेंगे, उनको मुबारक उनकी बैठक। अब उनको तो सिर्फ एक ही समीक्षा करनी है, वो है हार की। मध्यप्रदेश राजनीति में यह उपनिर्वाचन था ऐतिहासिक, एथे 28 आसन 19 आसन जीति बीजेपी। विधानसभा दल सदस्य संख्या 107 रु सीधा 126 रे पहुंची, जहां संख्या गरिष्ठता लागि आवश्यक 115 रु 11 अधिक। 28 रु 28 आसन जीतवा दावी करुवा कांग्रेस मात्र 9 आसन संतुष्ट रही। कांग्रेस एवं पराजयर कारण खोजुच्छे, सेपटे बीजेपी यह विजयर श्रेय सीधा सलख शिवराज को दे। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। बालेश्वर आसन को छड़ाई आणला और तीर्तोलगढ़ बजाय रखिला। उपनिर्वाचन में दुई दुईट आसन में शासक दल बाजीमा आ प्रमाणित करुच्चे नवीन नंबर वन। उपनिर्वाचन में बीजेडी को हराइबा एक प्रकार असंभव, सेपटे बीजेपी कही हारी भी दल पूर्वपरि बूथ लेवल काम कर। कांग्रेस अभियोग बीजेडी और बीजेपी अर्थ बल आगे हारीगला हाथ। उपनिर्वाचन में पुणी थरे बीजेडी रो बाजीमा। नवीन को उपरे भोटरों आस्था अतुट, बूथ स्तर में काम जारी रहिबो कहिला बीजेपी। कांग्रेस कहिला अर्थ बड़ आगरे हार मानी हाथ। तीर्तोल एवं बालेश्वर रायरु बड़ संदेश, बीजेडी सुप्रीमो प्रति समर्थन अतुट। तेबे दल जितिबारो सिक्रेट कौन, नवीन फैक्टर ना मजबूत संगठन? दलर कमांड एंड कंट्रोल सबुबेले स्थिर, दल जहां स्थिर करे से अनुसारे कामरे लागी पड़ती कर्मी नेता एवं मंत्री। समस्त गोटे मिशन आउ ताहा विन। दुई आसन रे विजय सह बीजेडी विधायक संख्या 113 पहुंची बेले बीजेपी आसन खसी 22,
ସେପଟେ 2019ରେ ବିଜେଡି ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ 93,967 ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପାଇଥିଲା 53,581 ଭୋଟ। 40,386 ଭୋଟରେ ଜିତିଥିବା ବିଜେଡିର ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି 41,703। ସେପଟେ 2019ରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପିକୁ 74,815 ଭୋଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ପାଇଥିଲା 61,409 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଆଉ ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନ 13,407 ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅଙ୍କ ପଲଟିଯାଇଛି। 13,351 ଭୋଟରେ ଜିତି ସିଟ୍କୁ ଦଖଲ କରିଛି ବିଜେଡି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ଦଳ। ନବୀନଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ବିକାଶ ଏବଂ ସୁଶାସନକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ସଫଳ ହୋଇଛି ବିଜେଡି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ବିଜୟ ହାସଲ କଲୁ, ୟା ପଛରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ତା'ର ସିକ୍ରେସି ହେଉଛି କି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁଶାସନ ରହିଛି ତାରି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ସରକାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବିରଳ ଘଟଣା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜନାଧାର ମାଲକାନଗିରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଜନାଧାର, ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ନିଜେ ଆଜି ସେକଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ସିଟ୍ ହରାଇବା ସହ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ହାରିଥିବା ବିଜେପି କହିଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା, ମୋଦିଙ୍କ ସହାୟତା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରକୁ ଯିବ ଦଳ। ନିର୍ବାଚନରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ, ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡିର ଅର୍ଥବଳ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ହାତ। ଆମେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଅଛୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ବାଟ ବୁଣା ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାକୁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କଥା, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ଆମର ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଦଳ ମାତ୍ର 20,00,000 ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବିଜୟ ହେଲେ କିଛି ଆମର ନାହିଁ। ଦୁଇ ଆସନରେ ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି, ହେଲେ ଅନୁକମ୍ପା ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ ଦେଇନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବ୍ରେକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅଶ୍ଳୀଳତା, ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସୂଚନା ସମ୍ବଳିତ ତଥ୍ୟ ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପରିସରରୁ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓଭର ଦି ଟପ୍ ଓଟିଟିରେ ପ୍ରସାରିତ ତଥ୍ୟ ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି କରିହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡରଙ୍କୁ ଏଣିକି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଡିଜିଟାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ। ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ମିଡିଆ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ 1967 ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ବୁକ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ନ୍ୟୁଜ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ସ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆଇନ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କରୋନା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି, ଏହି ମହାମାରୀ ପାଣିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛି। ମିଶନ ପାଣି ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯାନ, ନୂଆ ବାସ୍ତବିକତା ଏବଂ ଏହା ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ନେଇ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଆସୁଛି। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରିଛି। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜଳ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମିଶନ ପାଣି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ଆମ୍ବାସେଡର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି।
इस भयानक महामारी से जंग में हमारा सबसे बड़ा हथियार है पानी, क्योंकि पानी है तो स्वच्छता है, पर जरूरी है इसका समझदारी से इस्तेमाल करना, और यही है मिशन पानी का लक्ष्य। जुड़िए मेरे साथ आप एक न्यूज 18 मिशन पानी से, क्योंकि स्वच्छता और पानी आखिर बचानी है जिंदगानी। शेष होबार ना नेउनि गुर्जर आंदोलन एगार दिन हेब रेल धारणा उपरे बसिछंती गुर्जर माने। सरकारंकर समस्त प्रयास सत्वे गुर्जर रेल धारणा उपरु हटु नाहंती, एबे सरकारंकर कड़ा अभिमुख्य ग्रहण करिछंती। अभिमानक विरोधरे आरंभ करिछंती आईनगत कार्यानुष्ठान। 223 आंदोलनकारीक विरोधरे मामला रुजु होईछि, जाकु ने आंदोलनकारी नाराज। एगार दिनर दीर्घ आंदोलन, संरक्षण दाबीरे रेल रोक, धारणा उपरे शह शह गुर्जर। से गोटे कथा प्रथमे सबु दाबी मान तापरे जाई उठिबु, बारंबार आलोचना काहीकि बाहरी पारुनी समाधान। जारी रही गुर्जरक गद्दर, ए आंदोलन गति केड़े। एगार दिन हेब जारी रही गुर्जरक आंदोलन, जारी रही आलोचना पर आलोचना, किंतु एजाए कौनसी निष्कर्ष बाहरी पारुनी। रेल धारणा उपरे जारी रही आंदोलन, ए परिस्थिति रे प्रश्न उठुची ये आंदोलन रो गति केउ आड़े। राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बार बार इन लोगों को वार्ता के लिए इनवाइट किया है, साथ साथ ही कई बार समझौता बना भी है कि हम ये चीज़ें हम कर सकते हैं। बाकी चीज़ों पर चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, DOP, विधि विभाग की गाइडलाइन है, तो उनके मद्देनजर परीक्षण करके आपके समाज के प्रति जितने भी हम ठीक कर सकते हैं, संवेदनशील होकर हम कार्य कर सकते हैं। राजस्थान सरकारंक तरफरु क्रीडा मंत्री अशोक चंद्रा एथिलागि उद्यम रे लागिछंती, जेनतन प्रकारण सेमानंकु मनाइबा लागि सबु चेष्टा करछंती। कथाबार्ता लगातार जारी रहिछि, केतेबेले चंद्रा रेल धारणा उपरकु जाउछंती तो केतेबेले पहुँचुछंती किरोड़ी सिंह बेंसरांक घरे। बारंबार संकेत भी देउछंती जे कथाबार्ता ठीक दिगर चलिछि, किछि प्रसंगरे सहमति भी होइछि, अन्य प्रसंगरे एबे भी चर्चा जारी रहिछि। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बार बार वार्ता के बावजूद भी अभी तक इनकी तरफ से ये रेस्पॉन्स नहीं आया कि हम वार्ता कहाँ पे करना चाहेंगे। हम करौली प्रशासन भी लगातार कर्नल साहब के टच में हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ये लोग वार्ता के लिए तैयार हो जाएं। बैकलॉग का जो मुद्दा है उसको लेके ये युवा अभ्यर्थियों में भावना फैलाई जा रही है कि हम आपको नौकरी दिला देंगे, जबकि मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की जो नौकरी है या आगे बढ़ने की जो मंजिल है वो राज्य सरकार के साथ विभिन्न विभागों के साथ जब बैठक होती है तो उसमें निर्णय होते हैं कि हम किन किन परिस्थितियों में किन किन गाइडलाइन की पालना करते हुए हम क्या आगे कर सकते हैं। नवंबर पहला रू राजस्थान रो अनेक अंचल रे चली गुर्जर का आंदोलन, संरक्षण दाबी रे किरोड़ी के नेतृत्व में गुर्जर संप्रदाय लोके पिलुपुरा रे रेल धारणा उपर जमा हो रही। इमाने जीत धरी जे जाए संरक्षण संपर्कित सेमानंकर समस्त दाबी मानि न लिया जाइछि सेतेबेळ जाए एमाने रेल धारणा छाड़िबे नाही। सेपटे आंदोलनकारी जीत को देखि सरकार 200 रु अधिक आंदोलनकारी विरोध में मामला रुजु करिछंती, आउ एहाकु नै अधिक क्षुब्ध होइछंती गुर्जर संप्रदायर लोके। एमाने एहाकु सरकारंक दीपावली उपहार बोली कहिछंती। सेपटे राजधानी जयपुर रे गुर्जर और सरकारंक मध्यरे आरंभ होइछि आउ एक पर्याय आलोचना, किंतु एथिरु की सुफल मिलुछि ता उपरे समस्तंक नजर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। देश टिकस आतंकवाद रु टिकस स्वच्छता आड़ को अग्रसर होइछि, विकासर गति त्वरित करबा को औद्योगिक टिकस कम करा जाइछि बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कटक आयकर विभाग अभियोग ट्रिब्यूनल कार्यालय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे उद्घाटन करी प्रधानमंत्री कहते जीएसटी आसवा पर बहु सामग्री उपर टिकस कमी, टिकस संस्कार जो आय बढ़ी टिकसदाता उपर चाप कमी। दीपावली में स्वदेशी द्रव्य व्यवहार पर प्रधानमंत्री आह्वान करिसी जोगद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहते कटक आयकर विभाग अभियोग ट्रिब्यूनल कार्यालय द्वारा पूर्व भारत रांची, पटना और गुवाहाटी बेच उपकृत हो। लोकार्पण उत्सव में दुई केन्द्रमंत्री रविशंकर प्रसाद और धर्मेन्द्र प्रधान समेत हाइकोर्ट मुख्य विचारपति उपस्थित थे। आज का टैक्सपेयर पूरी टैक्स व्यवस्था में
बहुत बड़े बदलाव और पारदर्शिता का साक्षी बन रहा है। जब उसे रिफंड के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता, कुछ ही सप्ताह में उसे रिफंड मिल जाता है, तो उसे पारदर्शिता का अनुभव होता है। जब वो देखता है कि विभाग ने खुद आगे बढ़कर बरसों पुराने विवाद को सुलझा दिया है, उसे विवाद से मुक्ति दिलाई है, तो उसे पारदर्शिता का अनुभव होता है। जब उसे फेसलेस अपील की सुविधा मिलती है, तब वो टैक्स ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा महसूस करता है। जब वो ये देखता है कि इनकम टैक्स लगातार कम हो रहा है, तब उसे टैक्स ट्रांसपेरेंसी ज्यादा अनुभव होती है। इट मे बी रिकॉर्ड दैट द कटिंग बेंच वाज एस्टैब्लिश्ड वे बैक इन 1970 with the active involvement of late B.D. Patnaik. The government of Odisha has always been supportive of the development of ITAT Cuttack Bench, which includes provision for free land for this complex. एक कानून मंत्री के रूप में और एक कानून के जानकार के रूप में कि इनकम टैक्स के लॉ के एवोल्यूशन में ITAT के निर्णयों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है और आज भी वर्षों से उनके द्वारा दिए गए निर्णय बहुत ही मील के पत्थर हैं, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत एप्रिसिएशन से रखा है। समस्त बुलेटिन को नमस्कार।